नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मीन राशि वालों का 2021 का पूरा वार्षिक राशिफल बताने वाली हूँ। पूरा साल आपके लिए कैसा रहने वाला है ये बताऊंगी। शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, करियर के आपके लिए कैसा रहेगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए जानते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मीन राशि के लोग कैसे होते हैं। वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, मेहरबान होते हैं, समझदार होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ध्यानी होते हैं, सहज ज्ञान युक्त होते हैं, भावुक होते हैं, रहस्यमयी होते हैं, दयालु होते हैं, उदार होते हैं, आसानी से प्रभावित वाले होते हैं, आराम पसंद होते हैं, अनुकूल होते हैं, शांतिपूर्वक होते हैं, असंभव कल्पना करने वाले होते हैं। चलिए जानते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, उसके बाद पूरा सविस्तर विस्तार में मैं आपको पूरा मीन राशि वालों का राशिफल बताती हूँ। मीन राशि वालों के लिए जो है 2021 बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपकी तरक्की होगी, विदेश से अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी कर रहे जो लोग हैं उनको अगस्त के बाद समय बेहतर नजर आ रहा है। वहीं व्यापारियों को दिसंबर का माह उच्च लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसे में खुद को केंद्रित करते हुए केवल मेहनत जारी रखें, तभी आपको अधिक लाभ मिलेगा। अगर आप आर्थिक जीवन की बात करूं मैं तो सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वर्ष आपकी आमदनी लगातार बढ़ोतरी होगी। आप अपना धन संचय करने में सफल रहेंगे। ज्योतिषीय पूर्वानुमान के अनुसार जो मैं 2021 में आप कोई नया वाहन या घर खरीद सकते हैं। व्यापार को विस्तार देने में भी अपना धन खर्च आप कर सकते हैं। अप्रैल के अंत से सितंबर का समय आपके लिए कुछ आर्थिक तंगी लेकर आएगा। वहीं मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए समय शुरुआत में कुछ तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन जनवरी के बाद स्थितियों में अनुकूलता रहेगी, जिससे आपको सफलता मिलेगी। सफलता जो है अप्रैल से सितंबर के मध्य में आंशिक सफलता मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है। 2021 में जो है मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन बेहद अच्छा रहेगा। माता पिता का साथ मिलेगा, साथ ही सेहत में सुधार आएगा, जिससे आप खुश नजर आएंगे। साथ ही उनकी सेहत में भी सुधार आने से आप खुश रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो अप्रैल और मई को छोड़कर यह पूरा साल आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद उत्तम नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय बहुत भाग्यकारी रहेगा। शादीशुदा जो लोग हैं उनके जीवन में कोई नए मेहमान का आगमन होगा, जिनके रिश्ते में प्रेम और नयापन आएगा। संतान पक्ष की भी उन्नति और प्रगति होगी। प्रेम जीवन की बात करूँ तो कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। शनि और गुरुदेव की दृष्टि आपको प्रेम जीवन में भरपूर प्यार देगी। वही बीच बीच में आपको समस्या देते हुए आपकी परीक्षा भी लेगी। प्रेम जीवन के लिए वर्ष की शुरुआत और अंतिम भाग बेहद अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर रहेगा। मीन राशि के लोगों को विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर के दौरान और फिर नवम्बर से वर्ष के अंत तक अपनी सेहत के प्रति ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अब जानते हैं मीन राशि वालों का करियर। मीन राशि के करियर के मामले में अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। इस समय अपने कार्यक्षेत्र पर आप अच्छा करेंगे, जिससे आप इस वर्ष अच्छा समय बिताएंगे। आपको अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा। वो अपनी उच्च अवस्था में होते हुए आपको सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने अधिकारियों और सहकर्मियों से बेहतर संबंध बनाकर रखने की जरूरत होगी, तभी आपके अधिकारी आपकी मेहनत को देख पाएंगे। सही समय आने पर आपको उसका अनुकूल फल देंगे। साल की शुरुआत में सूर्य और बुध की दशम भाव में युति होगी। अगस्त और सितंबर के मध्य में नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके कार्यक्षेत्र पर भाग्य का साथ मिलेगा। उनकी उन्नति और तरक्की होगी, इसलिए अपने प्रयास और मेहनत आप जारी रखिएगा। आपको अप्रैल से सितंबर के मध्य में काम चलते किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इस यात्रा से आपको अच्छा लाभ होगा। विदेश जाने की सोच रहे हैं तो इस समय विदेश जाने का अवसर भी आपको मिलेगा। आप कार्यक्षेत्र के स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं तो दिसंबर का महीना सबसे उत्तम रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। अपने व्यापार में साल भर अनुकूल फल प्राप्त करेंगे। अच्छा फल प्राप्त करेंगे, साथ ही वो लोग अपनी कुशलता के बल पर अपने व्यापार को विस्तार देने के बारे में सोच और विचार करके सही रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। अब जानते हैं आर्थिक जीवन। मीन राशि वालों का आर्थिक जीवन 2021 में कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और फिर बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मीन राशि वालों के लिए 2021 में आर्थिक जीवन में मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि पहले ही आपकी राशि के एकादश भाव में शनिदेव इस वर्ष आपको अच्छे फल देते हुए आपके लिए स्थायी आमदनी के कई योग निर्माण करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति की शुरुआत में कुछ मजबूत नजर आएगी।
साथ साथ ही लाल ग्रह मंगल इस वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के दूसरे भाव में होंगे, जिससे आपके आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। अनुकूल स्थिति अप्रैल तक बरकरार रहेगी। ऐसे में आपको धन संचय करने भी सफल होंगे, लेकिन फिर ग्रहों के फेर बदल की वजह से अप्रैल से सितंबर के मध्य तक आपको आर्थिक स्थितियों में कुछ बदलाव देखने को नजर आएंगे। गुरु बृहस्पति आपकी राशि के 12वें भाव में होने की वजह से आप अपनी इच्छा पर खर्च करेंगे। इस दौरान आप चाह कर भी अपने धन को संचय करने में विफल होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर दिखाई देगी। साथ ही यदि आपका प्रॉपर्टी या धन से जुड़ा कोई विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा था, तो अप्रैल से मई के मध्य में ग्रहों का प्रभाव उसका फैसला आपके हक में आने की संभावना रहेगी। इससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा और आप कोई नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने में सफल होंगे। इस वर्ष आपको जीवन साथी से मध्य भी अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे आप अपना करियर के विकास के लिए कोई जोखिम लेने से नहीं डरेंगे। अब जानते हैं शिक्षा के बारे में। मीन राशि वालों के लिए जो है 2021 बेहतर रहने वाला है। छात्रों के लिए जो है आपकी राशि में पहले से ही मौजूद कर्म फलदाता शनि आपकी राशि के पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। आपकी पढ़ाई लिखाई में अवरोध का मुख्य कारण बन सकती है। ऐसे में खुद को केंद्रित रखते हुए केवल अपनी मेहनत पर आपको ध्यान रखना है। जनवरी के अंत से अप्रैल के अंत तक आपकी राशि के पंचम भाव में गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको शिक्षा में रुक रुक कर लेकिन सही समय पर अच्छे फल देती रहेगी, जिससे आपको खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। इससे आपको समय पर किसी भी विषय को समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। वर्ष के अंत से पहले का समय मुख्य रूप से 15 सितंबर से 20 नवंबर के दौरान बृहस्पति जो है एकादश भाव में होने के उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। आपको अपनी मेहनत से सबसे उत्तम फल मिलेंगे। आपको हर विषय में बेहतरीन सफलता मिलेगी। आपको यह बात सही से समझने की ज़रूरत होगी कि उम्मीद के अनुसार फल न मिलने पर भी आपको मेहनत के प्रयासों में कमी नहीं लानी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी के लिए यह साल बेहद सुखद रहेगा। विशेष रूप से आपके लिए अप्रैल से मई और अगस्त से सितंबर तक का समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप हर प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर अंक के साथ सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा और विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संभव है कि शुरुआत में आपको थोड़ा विलंब होगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। आप जानते हैं मीन राशि वालों का पारिवारिक जीवन। 2021 में पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनिदेव की दृष्टि आपकी पारिवारिक जीवन में रहेगी, जो बेहद ही अनुकूल रहेगी। आपको अपनी किसी पैतृक संपत्ति के बेचने से कुछ धन लाभ होगा। साथ ही रेंटल आमदनी मिलने से परिवार के सदस्य भी खुश नजर आएंगे। भाई बहन के लिए समय बेहद ही अच्छा रहेगा, वो उन्नति करेंगे, उन्हें यात्रा का अवसर प्राप्त होगा। सितारों की चाल आपके पक्ष में होने के माता पिता से यदि किसी की सेहत खराब है तो उनके उसमें सुधार आएगा। उन्हें किसी पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी, जिससे आप भी काफ़ी हद तक तनाव मुक्त महसूस करेंगे। पूरे वर्ष आपके पारिवारिक सुख में बेहद उत्तम नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको पूरे वर्ष में यानी वर्ष के मध्य में यानी अप्रैल और मई का महीना थोड़ा अधिक ध्यानपूर्वक चलने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपका घर के किसी सदस्य पर अधिक धन खर्च होगा, जिससे घर का वातावरण भी बिगड़ सकता है। आप जानते हैं वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष। मीन राशि वालों के लिए जो है 2021 में दाम्पत्य जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी और आपके रिश्तों में नयापन आएगा, साथ ही रिश्तों में प्यार और अपनापन की वृद्धि होगी। आपकी मानसिक चिंता भी दूर होगी, जिससे वैवाहिक जीवन मधुर बनेगा। विशेष रूप से वर्ष की शुरुआत के 3 महीने यानी जनवरी से मार्च का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा अक्टूबर से नवंबर का मध्य भी पूर्व के अनुसार ही अनुकूल रहेगा। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सुख शांति दिखाई देगी। आपके दाम्पत्य जीवन में सुखमय बनाने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा 6 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का समय थोड़ा तनावपूर्वक रहेगा। ऐसे में आपको इस दौरान ध्यान रखना है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद में फंस सकते हैं। जो संतानहीन है उन्हें इस वर्ष शुभ समाचार प्राप्त होगा। ग्रहों के अनुकूल होने से संतान के लिए बेहद समय अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वर्ष राशि के तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति आपके संतान पक्ष को हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। आपकी संतान नौकरी कर रही है तो उनकी उन्नति होगी। यदि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि आपको आपके साथी की ओर समय से ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी स्थिति में उनका ध्यान भ्रमित ना हो, इसके लिए आपको घर परिवार के हर विवाद से बच्चों को दूर रखना है। अब जानते हैं प्रेम जीवन। मीन राशि वालों का प्रेम जीवन थोड़ा कम अनुकूल नजर आ रहा है, इसलिए वर्ष भर शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में रहने से प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी। प्यार में लगातार आपको शुरुआत से उतार चढ़ाव की स्थितियों में 2 से 4 हाथ होना पड़ेगा।
जनवरी से जनवरी के अंत से अप्रैल के अंत तक का समय प्रेम के लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। इस समय गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके राशि पर होने से प्रेम योगी प्रेम विवाह में बनने के योग बन रहे हैं। कई ज़्यादा आपको प्रेम विवाह परिवार में सहयोग मिलेगा। अंतिम भाग में मुख्य रूप से 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य में आपके प्रेम में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बीच बीच में विवाद भी इस समय बरकरार रहेगा। 2 जून से 20 जुलाई तक का मध्य सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अड़ियल रवैये की वजह से प्रियतम के संग लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। वर्ष के आखिर में यानी 5 दिसंबर से बात का समय आपके लिए प्रेम जीवन के लिए उत्तम रहने वाला है। अब जानते हैं स्वास्थ्य। 2021 में स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य से बेहतर रहेगा। ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी। 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपकी राशि में गुरु बृहस्पति रहेंगे। द्वादश भाव में होने के वजह से आपको स्वास्थ्य हानि संभव हुए। इसके बाद स्थितियाँ बेहतर होंगी। फिर 20 नवंबर से साल के अंत तक आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, इसलिए ऐसे समय में आपको खुद को विशेष ध्यान रखना है। खाने से बाहर के खाने से परहेज करना है। मानसिक और शारीरिक कष्ट से बचने के लिए आप हर संभव प्रयास करें। अच्छी और स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें। जितना हो योग का सहारा लें। अब जानते हैं नौकरी। नौकरी करने वाले जो मीन राशि के लोग हैं उनको आप जिस वर्ष भी काम में भी आपको सफलता मिलेगी। वर्ष की शुरुआत बेहतरीन तरीके से होगी। अपने कार्यक्षेत्र में आप मजबूत स्थिति में रहेंगे। आपको पदभार में वृद्धि होगी। अधिकारों में भी वृद्धि होगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। साथ ही आपके साथ काम करने वाले लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। वो आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इसकी वजह से आप भी अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। वर्ष के मध्य में नौकरी के सिलसिले में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिसके माध्यम से आप अपनी कार्यकुशलता सिद्ध कर पाएंगे। कुछ लोग जो है विदेश जाने के अवसर भी उन्हें मिलेंगे। इसके लिए दिसंबर का महीना उपयुक्त रहेगा। इस दौरान नौकरी में बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो दिसंबर का महीना आपके लिए मददगार साबित होगा। अब जानते हैं बिजनेस के बारे में। अब जानते हैं 2021 में बिजनेस कर रहे जो लोग हैं, व्यापार कर रहे जो लोग हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है 2021। जो ये साल जो है विस्तारवादी नीति अपनाने के आपको होगी, लेकिन अर्थात जो है आपको अपने बिजनेस को विस्तार देने में कामयाब रहेंगे। शुरुआत से ही ग्रह की स्थिति आपके पक्ष में नजर आएगी। आपको आगे पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। खास तौर पर जनवरी से अप्रैल के मध्य तक का समय बिजनेस के लिए उत्तम रहेगा। इससे आपको सफलता मिलेगी। इस अवधि में जो है आप जो है एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। आपको समाज में गणमान्य लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे, जिससे आपको लाभ होगा और बिजनेस में भी इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद सितंबर तक कुछ जो है उतार चढ़ाव रहेगा। आपको अपने बिजनेस में जमे रहने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयास करने होंगे। वही समय आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। उसके बाद सितंबर से नवंबर के बीच में जो है कुछ रुके हुए काम पूरे करने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको बिजनेस में गुणवत्ता बढ़ेगी। आपको लोगों का सहयोग मिलेगा। मार्केट में आपकी स्थिति प्रबल होगी, जिससे इस वर्ष आप अपने बिजनेस को सही आयाम दे पाएंगे। अब जानते हैं मीन राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी एवं वाहन। प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर दिखाई दे रहा है। जनवरी से अप्रैल के बीच थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इस समय कोई प्रॉपर्टी बेचने के योग बन सकते हैं। यदि आप अभी उसका सौदा करेंगे तो उससे आपको मनमाफिक पैसे मिलने की समस्या होगी, तो थोड़ा धैर्य रखिए। अप्रैल के बाद आपको अच्छा लाभ होगा। आप अपने जो है जन्म निवास से दूर अथवा विदेश में कोई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। उसके लिए अप्रैल से सितंबर का समय उपयुक्त रहेगा। वर्ष के अंतिम महीनों में आपको हाथ कोई प्रॉपर्टी लग सकती है। यदि वाहन की बात करें तो जून से जुलाई और नवंबर का महीना आपके लिए बढ़िया वाहन दिलवा सकता है, जो आपको ज़्यादा यात्रा करने के लिए आवश्यकता होगी। उससे आप काफ़ी यात्राएं करेंगे, वही आपके लिए एक आदर्श वाहन साबित होगा। आप कोई ट्रांसपोर्ट वाहन भी खरीद सकते हैं। अब जानते हैं संतान पक्ष। मीन राशि वालों का संतान की दृष्टिकोण से देखें तो 2021 बेहद अनुकूल रहने वाला है। आपको आपकी संतान की ओर से कोई बड़ी चिंता इस समय नहीं होगी। पारिवारिक जीवन आपकी संतान पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे परिवार में अशांति ना हो, परिवार के लोगों के बीच झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें ताकि आपकी संतान का मानसिक विकास हो और मानसिक विकास करने में कोई बाधा न आए। यदि आप इस बात को छोड़ दें तो पूरा वर्ष आपकी संतान के लिए उत्तम रहेगा। पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे, उनको सफलता मिलेगी। यदि वो नौकरी कर रहे हैं तो वर्ष की शुरुआत में उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। उनके अंदर जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं होगी, जिस वजह से अपने क्षेत्र में उत्तम प्रगति वे करेंगे।
2021 आपको संतान की ओर से खुश रखेगा। आप जानते हैं धन लाभ और धन लाभ के योग। 2021 में वर्ष की शुरुआत आपके लिए बढ़िया रहेगी। आपको बृहस्पति और शनि की युति एकादश भाव में होने से आपके आर्थिक जीवन आर्थिक लाभ की स्थिति बन रही है। आपको अपनी योजनाओं में सफल होंगे जिससे आपके पास आर्थिक अर्थ की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय जो है आपके पास एक से अधिक गतिविधियों से धन प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। हालांकि अप्रैल से सितंबर तक का समय जो है खर्च बढ़ाएगा। आपको कुछ आवश्यक कार्यों पर बेहद ज़रूरी खर्च करने पड़ेंगे। एक बड़ा खर्च भी हो सकता है लेकिन आपके आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सितंबर से नवंबर के बीच आर्थिक चुनौतियां कम होंगी। कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे लेकिन नवंबर से दिसंबर के बीच आपको अपने खर्च पर ध्यान देना होगा। इस प्रकार लाभ और व्यय के बीच एकरूपता रखकर आप अपना अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। अच्छा धन लाभ आपको हो सकता है। अब जानते हैं ज्योतिषीय उपाय। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। 2021 में कुछ ज्योतिषीय उपाय मैं आपको बताऊंगी, उनमें से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं 2021 में अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए। आप मेरे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। 2021 में जो है मीन राशि वाले के उपाय ये है कि किसी भी बृहस्पतिवार के दिन मतलब गुरुवार के दिन दोपहर से 12:30 से 1 के मध्य में मतलब दोपहर के 12:30 से 1 के बीच में आपको गुड क्वालिटी वाला उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना है। इससे जो आपके सभी स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई समस्या दूर हो जाएंगी। अगला उपाय है 2 मुखी या फिर 3 मुखी रुद्राक्ष भी आपके लिए धारण करना उत्तम और लाभदायक रहेगा। इससे जो है आपको उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आसानी होगी। आपको जो है रुद्राक्ष किसी भी सोमवार या मंगलवार के दिन धारण करना है। अब जानते हैं अगला उपाय। घर से निकलते वक्त अपनी जेब में एक पीला रुमाल जरूर रखिए और ये रुमाल साफ होना चाहिए। साफ पीला रुमाल अपनी जेब में आपको सदैव रखना है घर से निकलते वक्त। अगला उपाय है शनिदेव के मित्र हनुमान जी की आराधना बजरंग बाण का पाठ आपको आपके लिए करना बेहद शुभ रहेगा। किसी भी शनिवार के दिन किसी मिट्टी अथवा लोहे के बर्तन में कच्चे सरसों का तेल भरे और उसमें अपनी प्रतिमा या छाया देखकर उसे दान करें। इसे छाया दान करना कहते हैं। अगला उपाय है आपके लिए गुरु यंत्र की स्थापना करना भी शुभ होगा। तो ये थे कुछ उपाय जो आप 2021 में कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।